दे सकते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कुछ इस तरह। तो सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क में। तो हमारा अर्जेंट प्लान बना था, 3 से 4 घंटे पहले ही हमारा प्लान बना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी चले जाएँ वाइल्ड एडवेंचर पर, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की, तो मैंने बोला कि आप मेरी वार्निंग कीजिएगा और मैं जा रहा हूँ अपनी पिकनिक पर। तो हमारा प्लान बन चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने गाइस को पहले बता दें कि हम लोग जा रहे हैं आज ये फीस्ट ऑफ वाइल्ड एडवेंचर वहाँ के अंदर। तो ये देख सकते हैं अभी तैयारियाँ हो चुकी है, मैंने रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हैं आप। और अभी मेरी मिसिस अंदर तैयार हो रही है और मेरी सिस्टर लो भी तैयार हो रही है, और हो सकता है मे कि उनको चला अच्छा। तो सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी मंजिल की तरफ। और फिर हम लोग आपको दिखाएंगे वहाँ पर कि हम लोग कैसे इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं गाइस पिकनिक। तो सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। तो अभी पीछे आवाज़ें भी आ रही हैं फ्रेंड्स की, तो हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर आपको लोगों के साथ भी शेयर करेंगे वहाँ का वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क का हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर रोटी लेने के लिए। कोई रोटी नहीं थी हमारे पास, तो हम लोग रेस्टोरेंट से यहाँ रोटी ली है और खाना लेने के बाद हम लोग फिर गाड़ी में दोबारा बैठे। अभी मैंने एक छोटी पानी की बोतल ली, एक बड़ी ली और 12 रोटियाँ ली है। तो सो गाइस, फाइनली हम लोग वाइल्ड एडवेंचर पार्क में आ चुके हैं और मैं अभी जाऊंगा वहाँ से टिकट लूँगा। और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है और हम लोग अभी अंदर जाऊँगा, टिकट लेके आऊँगा। तो देखते हैं टिकट का क्या हिसाब किताब है। तो सो गाइस, अभी मैंने टिकट तो ले ली है, टिकट है 800 रुपये पर पर्सन। तो अभी मुझे भाई ये देंगे, 3 टिकट ली है मैंने, एक अपनी, एक मिसिस की और एक सिस्टर इन लॉ के लिए। तो ये टिकट आ चुकी है, 3 टिकट लिए मैंने, ये देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने टिकट तो ले ली है, ये देख सकते हैं आप, टिकट 3 ली है और मेरी सिस्टर ने भी टिकट ली है, ये भी है, ये है हमारी। तो गाइस, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं कैसे सर्कल से हम अंदर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं वाइल्ड एडवेंचर में, तो सर्कल घूम घूम के जा रहे हैं भाई, दे सकते हैं। तो ये लगता है यहीं पर चक्कर आ जाएंगे। तो अभी हम लोग टिकट शो करवाएंगे भाई को, अस्सलाम वालेकुम, ये भाई को टिकट शो कराइए हम लोग, थैंक यू। मुझे देख सकते चक्कर ही घूम रहे हैं हमारे, बड़ा फोर्स लगी है मुझे। तो फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क में, हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ के आपको नज़ारा भी दिखाएंगे और व्यू भी दिखाएंगे यहाँ का, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि आज संडे और फैमिली है, फैमिली अलाउ है यहाँ पर, और कोई मेल वगैरह नहीं इतने, क्योंकि मेल के लिए बिल्कुल, जो लड़के लड़के आते हैं उनके लिए तो मना है, फैमिली के लिए आप सब आ सकते हैं संडे के संडे। तो अभी चलते हैं गाइज अंदर, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का ही व्यू, देख सकते हैं कैसा व्यू बनाया है। तो मज़ा ही आएगा आज, तो नहाने का ही मज़ा आएगा और फैमिली के साथ इंजॉय करने का बहुत मज़ा आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लोग नहा रहे हैं और ये छोटा सा पूल है और इस तरफ ये देख सकते हैं नदी है। तो गाइस, अभी हम लोग भी रेडी होकर आ रहे हैं अंदर से, तो अभी तैयार होकर हम लोग भी आएँगे यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। तो गाइस, चलते हैं अंदर और मज़ा करते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं इतना मज़ा आ रहा है, अभी जब हम लोग स्लाइड लेंगे तो और भी मज़ा आएगा यहाँ पर, थोड़ा VIP व्यू लग रहा है। जब लोग एंटर होंगे तो और मज़ा आएगा। तो गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं बैठने की जगह और बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि धूप बहुत है यहाँ पर और लोग पहले से आए हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको यही समझाया था कि आप जल्दी आते हैं वहाँ से निकलते तो होप कि हम लोगों को जगह मिल जाती, तो जगह तो नहीं मिली हमें। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कहीं बैठने की जगह पर जैसे मिल जाएगी
फिर बैठ के फिर हम जब जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर, फिर वहाँ पर जाकर सबकी करेंगे, इंजॉय करेंगे। गाइस हम लोगों को बैठने की जगह मिल चुकी है और हम लोगों ने जगह ले ली है यहाँ पर बैठने के लिए। देखें हम लोगों ने वहाँ से ये उठा के इस क्या है सोफे वगैरह जो हम लोगों ने लकड़ी के बनाए हैं, तो ये उठा के मैं आया। तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे, यहीं स्टे करेंगे और फिर अपना सामान लोकल में रखेंगे, फिर हम चलेंगे स्विमिंग पूल के अंदर। नहीं ये तो कितना मना करेंगे। तो सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं पूल के अंदर और ये बाहर देख सकते हैं ये सारी ऑडियंस बैठी हुई है यहाँ पर, इतना मजा करें, इंजॉय करें। और ये लोग भी आ गए हैं ना चेंज करके, और इनकी आज ईद है और ये ईद मनाएंगे अंदर स्विमिंग पूल के अंदर। तो फाइनली गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं स्विमिंग पूल के अंदर और ये देख सकते हैं ये मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। चलो जाओ जाओ, चलो भाई ऊपर स्लाइड। तो गाइस ये स्लाइड हम लोगों ने लिए, स्लाइड बहुत खतरनाक है, बच्चों के साथ में जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं बच्चे इतना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत आ रहे हैं लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो स्लाइड है ये वाली, ये बहुत खतरनाक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऊपर वाली स्लाइड है ये बहुत खतरनाक है। और अभी एक लड़के को लगी है यहाँ पर ना पेट के ऊपर, ऊपर से कोई आ रहा था तो बेचारे यार बहुत बुरी लगी। तो ये देख सकते हैं ये बच्चों का खास, हम तो अपने बच्चों को बहुत मिस करें, खासकर जो नहीं आए तो आई होप कि अब जब दोबारा आएंगे तो बच्चों को मैं भूल लेके आऊँगा और इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा करेंगे। देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी अभी स्लाइड करके आई और मेरी सिस्टर इन लॉ वो भी स्लाइड करके आई थी, तो वो उसको बहुत बुरी तरीके से लगी है, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ब्रेक टाइम हो गया है और अभी स्विमिंग तो पूल सारे बंद हो चुके हैं, पानी नहीं है ऊपर स्लाइड के ऊपर, तो इसलिए फिर हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। तो लोग भी यहाँ पर खाना खाना शुरू कर दिया है, ये लंच टाइम हुआ है, अभी लंच टाइम के बाद दोबारा हम लोग फिर जाएँगे पूल के अंदर और इंजॉय करेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगी। देखिए सारी पब्लिक्स जितनी भी आई हैं सब खाना खा रहे हैं, तो चले गाइस हम लोग भी चलते हैं खाना खाने के लिए, तो चलें गाइस। ये देख सकते हैं ये है मेरी वाइफ ने बनाया था चिकन कोरमा, और ये रोटी है और ये माइक्रोनी, ये मतलब शाहरुख लेके आया, शाहरुख लेके, और ये महक लेके आई है मेरी बहन। तो अभी हम लोग खाने खाना और खाना खाने के बाद हम लोग फिर स्विमिंग पूल में। तो गाइस अभी खाना खा के हम लोग दोबारा आ गए हैं खाने के लिए पूल के अंदर, आप देख सकते हैं लोगों ने बनाया है बनी हुई साइड पर की तरफ। सामने वो जगह पे भी बहुत अच्छी स्लाइड है, और मैं हो सकता हूँ वो भी न्यू स्लाइड, और वहाँ पे भी जाऊँ तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ आज बहुत संडे भी और संडे में बहुत ज़्यादा रश है। जा रहा हूँ ये आगे देख सकते बहुत अच्छा बनाया है लोगों ने और बहुत मज़ा आ रहा है, तो हर तरह का यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड है यहाँ पर, आपको लोकल तक लेके कपड़े चेंजिंग वेंजिंग सब हर चीज़ अच्छी है यहाँ पर, तो आप भी अपनी फैमिली के साथ आइएगा विजिट कीजिएगा। तो ये माहौल का आप देखते हैं, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर फैमिली के लिए। तो सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, अल्लाह हाफिज़।